राधा रानी और कृष्ण कुंज में हैं। विलासोपरांत राधा रानी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम मेरी वेशभूषा ठीक कर दो, सखियां आ जाएंगी हंसी उड़ाएंगी। फिर यहाँ याद रखिए कि कृष्ण अपनी ही शक्तियों के साथ रस वैचित्र्य का आस्वादन कर रहे हैं। देखने में वो जो है प्राकृत नायक नायिका के काम जैसा है, लेकिन काम की वहाँ गंध भी नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम तत्व है। प्रेम तत्व सिर्फ राधा और कृष्ण और राधा रानी और कृष्ण के बीच में है। प्रेम तत्व जो है कृष्ण और उनके पार्षदों के बीच में है, प्रेम इस जगत में नहीं है। तो राधा रानी ने कहा, तुम मेरी वेशभूषा ठीक कर दो। कृष्ण ने कहा, ठीक है। कृष्ण ने श्री राधा रानी के भ्रू कमान पर, भूहों पर कस्तूरी तिलक लगाया, सुंदर पत्रिका रचित की और कुमकुम की बिंदी लगाई और कहा कि लाओ मैं तुम्हारे चरणों में जावक लगा दूं, आलता लगा दूं। तो राधा रानी ने कहा, ये क्या करते हैं, मैं आपकी दासी हूं, ये नहीं करो। मैं दासी हूँ, मैं आपके चरण में जावक लगाऊंगी, मैं आपके चरण को अपने माथे पर रखूंगी, किंतु आप ये क्या करते हैं। तो राधे, याद है जिस दिन तुमने मुझे कहा कि मेरा सब कुछ समर्पित है तुम्हें, तो उस समय क्या तुम अपने दो पैरों को बाहर रखाई थी? तुम्हारे ये दो पैर मुझे समर्पित नहीं थे? बोली, हे स्वामी, हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मेरा सब कुछ तुम्हें समर्पित है, ये मैंने सही कहा था। तो फिर आज मैं इन सुंदर प्यारे कोमल चरणों को अपने हाथों से सजाना चाहता हूं, तो क्या तुम मुझे इसका अवसर ना दोगी? राधे बोली, हे प्रियतम, तुम जैसा सजाना चाहते हो सजा लो। कृष्ण राधा रानी के चरणों में आलता लगाने लगे और उनके चरणों में आलता ना लगा के उनके चरण के तलों को आलते से मलने लगे। राधा रानी बोली, कहा था ना, तुम्हारे बस का नहीं, तुम पुरुष हो, ये कार्य तो मेरी सखियों का है, उन्हें ही करने दो, तुम उन्हें ही करने दो प्यारे, ये तो सखियां करेंगी कार्य। कृष्ण बोले, नहीं, अब ये चरण भी मेरे हैं, तो मुझे अपनी तरह से इनकी सज्जा करने दो। कृष्ण ने पूरी तरह से उनके चरण तल में आलते लगा के और उन दोनों चरण को अपनी छाती से लगा लिया और वहां राधा रानी के चरणों की छाप पड़ गई। बोली, ये क्या किया? तो बोले कृष्ण रोने लगे और रोते रोते उनके नयन जल से प्रिया जी के दोनों चरण भीग गए और राधा रानी के चरणों को अपने वक्ष स्थल से लगाकर बोले, हे राधे, याद रखना कृष्ण सिर्फ प्रेम के वशीभूत हैं और राधा रानी जैसा महान प्रेमी कहीं नहीं है, सिर्फ प्रेम के वशीभूत, सिर्फ प्रेम। जो सुदामा के तंदूल खा जाते हैं वो वसुदेव नंदन के रूप में, जो सूरदास जी के वहां पकड़ लेते हैं, जो कितने ही भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं चरण धूलि के लिए, अगर वो परम भावमयी, परम प्रेममयी, परम करुणामयी श्री राधा जी के चरणों को अपनी छाती से लगा लिए, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। प्रेम ही कृष्ण का एकमात्र उपकरण है जो उनको खींचता है, जितना प्रेम कृष्ण की उतनी वश्यता। तो राधे, मैंने तुम्हारे इन चरणों को अपनी छाती से लगाया, क्यों? क्योंकि मैं जब ये कहते हुए घूम रहा था कि मैं राधा दास हूं, तो पृथ्वी के लोगों ने माना, स्वर्ग के लोगों ने माना, सब लोगों ने मान लिया, लेकिन जब मैं तुम्हारे पड़ोस में आया यहाँ सखियों के गांव में और मैंने कहा मैं राधा का दास हूं और मैं गाने लगा, तो सखियां बोली, हम नहीं मानते, तुम तो जन्म से ही झूठे हो।
जब तुमने मिट्टी खाई तो माँ को कहा नहीं खाई, तो माँ ने कहा आग करो तो देख लिया मिट्टी है अंदर, तुम तो झूठे हो, हम नहीं मानते। अच्छा हाँ तुम बचपन से झूठे हो, तुम माखन चुराते हो, बोलते मैंने नहीं चुराया, तुमने झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला, तो हम कैसे माने, कोई प्रमाण दोगे कि तुम राधा दास हो? तो हे राधे आज मैंने तुम्हारे चरणों की छाप अपनी छाती से लगा ली है, अब इस छाप को लेकर मैं समस्त गोपियों के बीच में जाऊंगा और कहूंगा मैं राधा का दास ही नहीं, मैं राधा का चिन्हित दास हूँ। श्री राधे श्री राधे, मैं राधा का चिन्हित दास हूँ।